ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करते हैं कि यूएसए ने एक एयर स्ट्राइक कर दिया है, जो अमेरिका है उसने एयर स्ट्राइक कर दिया है। और अब मैं आपको विद मैप बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कहां पर स्ट्राइक किया है, क्यों किया है। तो कहां पर स्ट्राइक किया है यूएसए ने? इराक और सीरिया। चलो इराक और सीरिया चलते हैं, तो देखते हैं मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये इराक है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये सीरिया है, यहाँ पर जो है ये सीरिया है। तो इस इराक और सीरिया, इराक मैंने आपको बता दिया है बहुत ही ज़बरदस्त, देखो मैंने सैटेलाइट के रूप में ये मैप बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझ आए ये क्या है। इराक है, ये इराक हो गया और ये क्या हो गया, अपना सीरिया होगा, ठीक है। इस इराक और सीरिया के अंदर क्या है, एक आतंकी गुट है। इराक और सीरिया के अंदर क्या है, आतंकी गुट है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक देश है यहाँ पर ईरान, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये ईरान है, ठीक है। इस ईरान क्या कर रहा है, ये समर्थन कर रहा है, ठीक है। ईरान समर्थन किसका कर रहा है, मलेशिया गुट का कर रहा है, जो मलेशिया गुट है उसका ईरान जो है समर्थन कर रहा है। इसलिए इन्हीं ठिकानों का पता लगाने के लिए, यानी जो आतंकी गुट है उनके जो ठिकाने हैं, वो ठिकाने कहाँ पर है, वो ठिकाने हैं दोस्तों इराक और सीरिया के अंदर। और इस इराक और सीरिया के अंदर इन मलेशिया आतंकी गुट के ठिकाने हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एयर स्ट्राइक किया है। और एयर स्ट्राइक इसलिए किया है ताकि ईरान को चेतावनी दे सके कि वो इस आतंकी का हेल्प ना करे, समर्थन ना करे, समर्थक ना करे, ठीक है। इसी कारण इस ईरान को चेतावनी देने के लिए यहाँ पर इराक और सीरिया में क्या किया है, एक एयर स्ट्राइक कर दिया है, ये इराक और सीरिया के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। इसी के कारण से, ताकि ये ईरान को चेतावनी मिल सके। और आपको बता देता हूँ मैं, जो इराक है इसकी राजधानी है बगदाद, ये बगदाद आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरी दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिटी का मैप दिखा देता हूँ आपको। देखो इतनी सारी रोड है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त मैप है। आगे दिखाता हूँ मैं सीरिया, इराक की राजधानी है बगदाद और सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो सीरिया है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दमिश्क, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा दमिश्क, ये बड़ा इलाका, ठीक है। तो सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। और आगे हम चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है सीरिया के अंदर, बशर अल असद जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। और सीरिया है, सीरिया की जो सीमा है किस सागर से लगती है, जो सीरिया है सीरिया की सीमा किस सागर से लगती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सीमा लगती है मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से जो है इसकी सीमा लगती है, मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल। और एक और चीज़ है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो किस नदी के बीच स्थित है, दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।